गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि हम आप लोगों को विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें हम आप लोगों को पांच करा चुके हैं, तो आज हम जो आपको कराएंगे वो कराएंगे समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, यह हमारा छठा और आखिरी होगा, ठीक है। इसमें हम समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव निकालते हैं। चलिए देखिए, अचालक गोला हम जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। अचालक गोले की खास बात ये होती है कि जब हम उसे आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर भी जाता है और उसके भीतर भी जाता है, यानी आवेश अंदर भी जाएगा और उसकी सरफेस पर भी जाएगा। ये अचालक गोले की खास बात है, जब आप उसे आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर भी जाता है और उसके अंदर भी जाता है। ठीक है, वही पहले की तरह इसकी भी तीन स्थिति है। सबसे पहला है पॉइंट पी, जो गोले के बाहर, तो सबसे पहला पॉइंट लिखना है गोले के बाहर। गोले के बाहर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान से क्या होता है, ज्यादा। और गोले के बाहर विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत बल के विरुद्ध किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य V बराबर माइनस अनंत से लेके R तक E वेक्टर डॉट dr होता है। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R, यही होती है। तो V बराबर क्या आएगा, माइनस अनंत से लेके R तक K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। हम आपको बता चुके हैं कल बहुत अच्छी तरीके से, इस बात को बताया था कि r cap dot dr की जो वैल्यू है वो खाली dr होती है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि r cap dot dr की जो वैल्यू होगी वो dr होगी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, v बराबर माइनस अनंत से लेके r तक kq अपॉन r स्क्वायर dr। के क्यू बाहर ले लीजिए, अनंत से लेके आर तक आर की पावर माइनस टू डी आर, और एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, लिमिट वही अनंत से लेके आर तक, माइनस टू प्लस एक, माइनस एक आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, तो v बराबर क्या आएगा के क्यू, और यहां क्या आएगा बताइए, r की पावर माइनस वन, लिमिट है अनंत से लेके r तक, v बराबर के क्यू
वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, ठीक है, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी। तो इंफिनिटी का किसी भी डिवाइड कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, के क्यू अपॉन आर, ये है क्लियर है। गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो दूरी r के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। समीकरण नंबर एक। ऐसा आप बच्चों तीसरी बार पढ़ रहे हो, थर्ड टाइम तीसरी बार पढ़ रहे हो भाई साहब, ऐसा ऐसा आप थर्ड टाइम पढ़ रहे हैं बच्चे, तीसरी बार है ये व्यवस्था। ठीक है बच्चों, देखो बहुत अच्छी तरीके से देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। बिंदु आवेश के कारण भी ऐसा ही था, गोलीय कोश के कारण भी ऐसा ही था, बिंदु आवेश के कारण ऐसा ही था, गोलीय कोश के कारण भी ऐसा ही था, और अचालक गोले के कारण भी देखिए इसी प्रकार से है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम गोले के पृष्ठ पर निकालें। यही डायग्राम रहेगा, बस अब गोले के पृष्ठ पर जहां स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान के बराबर हो, जहां स्मॉल आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है, और यहां गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा बिंदु P। अब अनंत से गोले के पृष्ठ पर, अनंत से गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य V बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके कहां तक आएगा, R तक, E वेक्टर डॉट dr, मतलब आप अनंत से ला रहे हैं गोले के पृष्ठ तक, गोले के पृष्ठ तक, ठीक है, किसी बिंदु P तक। तो v बराबर क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से r तक e वेक्टर डॉट dr। लेकिन इसे करने की जरूरत नहीं है, कारण सब कुछ पहले जैसा ही होगा और v बराबर निकलेगा k q अपॉन कैपिटल r, ये नियत मान होगा, फिक्स वैल्यू, बिल्कुल फिक्स वैल्यू। तो बच्चों अभी तक तो कोई इंप्रोवाइजेशन नहीं है, इंप्रोवाइजेशन मतलब जैसा पहले पढ़ा था ना गोलीय कोश के कारण वैसा ही चल रहा है, कुछ नया अभी अब तक आपने नहीं पढ़ा है ना, क्या करो, अभी तक तो आपका कोई भी इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, जैसा आपने पहले पढ़ा था उसी तरह का चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, है ना। लेकिन गोले के अंदर वो इसमें यहाँ मामला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए देखते हैं, गोले के भीतर भीतर तो आप जानते हैं कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के मान से अधिक होगा, और अब ये बिंदु पी यहां होगा, अब आपका ये बिंदु पी यहां होगा, ठीक है। अगर हम गोले के भीतर निकालना चाहते हैं, गोले के भीतर निकालना चाहते हैं तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के मान से अधिक होगा, और अब क्या होगा, अब ऐसा है कि वही परिभाषा ये क्या कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के क्षेत्र के, मतलब विद्युत अनंत से विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य V बराबर कितना माइनस अनंत से लेके R तक E वेक्टर डॉट dr। देखिए गोले के पृष्ठ के बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, गोले के पृष्ठ पर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीतर निकालने में है। क्योंकि गोले के जब हम भीतर जाते हैं तो हमें दो कार्य करने पड़ते हैं। दो कार्य कौन कौन से? एक तो हमें अनंत से पृष्ठ तक आना पड़ता है, फिर पृष्ठ से भीतर आना पड़ता है। तो इस कार्य को, इस किए गए कार्य को दो भागों में तोड़ा जाएगा। कौन सा बताओ, दो भाग कौन कौन से होंगे? माइनस अनंत से लेके कैपिटल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर। मतलब गोले के भीतर किसी बिंदु तक आने में किया गया कार्य दो भागों में तोड़ा जा सकता है, एक तो अनंत से गोले के पृष्ठ तक, फिर गोले के पृष्ठ से गोले के भीतर तक आने में किया गया कार्य, इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं। इसको हम वी वन कह देते हैं, इसको हम वी टू कह देते हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं, वी वन बराबर क्या आएगा? माइनस अनंत से लेके आर तक E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या आएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसे तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बोले के प्रश्न पर है। ये है मेन चीज, V2 बराबर है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक E वेक्टर डॉट डी आर। ठीक है, E वेक्टर डॉट डी आर, तो E का वैल्यू रख दो। E का वैल्यू क्या होगा? E का वैल्यू होगा साहब आपका के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर वेक्टर आर कैप डॉट डी आर। ये आप देख सकते हैं गॉस लॉ में जो छठी एप्लीकेशन थी, समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, गॉस लॉ में जो छठी एप्लीकेशन थी उसका रिजल्ट था के स्मॉल क्यू छठी एप्लीकेशन का रिजल्ट था के स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यू आर वेक्टर डॉट आर के। अब इसे सॉल्व करो, माइनस और एसएस क्या है? माइनस बराबर के क्यू अपन आर क्यू बाहर कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आर डी आर। वो तो आप समझ गए होंगे आर कैप डॉट डी आर, हमें आर डी आर ही लिखना है। वी टू बराबर है ना, क्या है बताओ? वी टू बराबर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे आर की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, लिमिट कहां से कहां तक? कैपिटल आर से स्मॉल आर। वी टू बराबर माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यू आर स्क्वायर, लिमिट कैपिटल आर से स्मॉल आर। वी टू बराबर माइनस के क्यू अपॉन 2R क्यू, ऊपर आएगा R स्क्वायर माइनस के कैपिटल R स्क्वायर। चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो और क्या। तो V2 बराबर माइनस के क्यू अपॉन 2R क्यूब इंटू R स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के क्यू, और ये 2R क्यूब है वो माइनस R स्क्वायर है, तो 2R बचेगा सर, के क्यू अपॉन टू आर है ना। तो वी टू बराबर यही रहने दीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतने में ही सफिशियंट है, पास वन में आ रही है। तो कुल कितना हो जाएगा आपको बताइए, कुल जो विभव होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा।
कुल जो विभव है वो इन दोनों के योग के बराबर है। तो v बराबर v1 प्लस v2। v1 कितना है तुम्हारा? kq अपॉन कैपिटल R माइनस kq अपॉन 2r क्यूब r स्क्वायर प्लस kq अपॉन 2r। ये दोनों ऐड हो जाएंगे भाई। ये kq अपॉन r है, ये kq अपॉन 2r है। तो v बराबर क्या आया? 3 बाई 2 kq अपॉन कैपिटल R माइनस kq अपॉन 2r क्यूब इंटू r स्क्वायर। ये वैल्यू आई है, ये आपकी वैल्यू है, ये है ना। गोले के भीतर, अचालक गोले के भीतर जो हमने विद्युत विभव निकाला है, ये थोड़ा सा लंबा है बच्चों, है ना। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। वैसे सही होगा, सही है बच्चों। 3 बाई 2 के क्यू अपॉन आर, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक स्थिति और बनती है बच्चों, और वो बनती है गोले के केंद्र पर, है ना। गोले के केंद्र पर एक स्थिति और बनती है, और वो बनती है कहाँ? गोले के केंद्र पर। अगर हम गोले के केंद्र पर निकालना चाहें, केंद्र पर यानी सेंटर पर, तो भाई साहब सीधी सी बात है, स्मॉल आर बराबर जीरो होगा। तो बी बराबर क्या आएगा फिर? 3 बाई 2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। एक तरह से देखा जाए तो सतह का डेढ़ गुना हो गया। 3 बाई 2 का मतलब 1.5 हो गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोले के भीतर वाला। तो गोले के जो भीतर है वो एक तो मतलब कह सकते हैं कि गोले के केंद्र पर जो विभव है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब मैक्सिमम है, बाकी सब जगह तो क्या है, थोड़ा थोड़ा कम ही है। केंद्र पर विभव जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं।